के आपका टीम वर्क है, तो इसमें सोशल हेल्थ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है जी कम्युनिकेशन। जॉगिंग नहीं कर सकते तो चले आप वॉक करें ताकि किसी किस्म की आपकी फिजिकल एक्टिविटी रहे, क्योंकि हमारे लिए वॉक रिकमेंडेड नहीं है, हमारे लिए जॉगिंग है, ब्रिस्क वॉक है, तेज जो यानी दौड़ना, उसके बाद एक्सरसाइज, डाइटरी हैबिट्स और स्क्रीनिंग। एक होती है जो इस एज में आके होती है 35-40 इयर्स में जाके होती है, उसमें ये होता है कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो अपना काम ठीक नहीं कर रही, आगे से रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है ओबेसिटी, वेट, हमारी बॉडी में जो फैट होती है वो इस रेजिस्टेंस को डेवलप करती है। द वे यू फील अबाउट योरसेल्फ डायरेक्टली अफेक्ट्स योर हेल्थ, ये आज की एक समरी है, मैं कहूंगा कि ये जो पॉइंट कि आप अपने बारे में फील क्या करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग अगर मरीज समझ लेते हैं अपने मरीज बन जाते हैं, आपके कोई भी हो सकता है, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, स्पाउस भी हो सकते हैं।